हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत 10 सेंटेंस लेकर के आया हूँ। पहला ही सेंटेंस आप देखिएगा कि गुलाम नबी सर आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। पहला सेंटेंस है, नेवर जज समवन बिफोर नोइंग देयर स्टोरी। तो क्या मतलब हो गया कि किसी को आप जज मत करिएगा बिना उसके पहले उसके बारे में जाने हुए। तो आप किसी को जान नहीं रहे, उससे पहले आप उस पर जज कर रहे हैं। तो इस तरह इंग्लिश में इसको बोला जाता है, नेवर जज समवन, किसी को जज मत करिएगा कि सही है कि गलत है, बिफोर नोइंग दियर स्टोरी, उसकी कहानी या उसके बारे में जानने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए हो जाएगा, अपने वादे से मत मुकरो, डोंट गो बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। क्या बोलेंगे, डोंट गो बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, या आप इतना भी कह सकते हैं, डोंट गो बैक। नेक्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, डोंट एवर टच माई फोन, मेरा फोन भी मत छुओ। तो अगर कहना फोन रखा हुआ है आपका, तो आप कहना मेरा फोन भी मत छुओ। इंग्लिश में आप बोलने वाले हैं, डोंट एवर टच माई मोबाइल, मेरा फोन भी मत छुओ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू, उस व्यक्ति को ना भूलो जो आपसे प्यार करता है। आवाज़ करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज। तो वो जो आवाज़ कर रहे हो, शोर कर रहे हो, तो हमने कहा कि आवाज़ करना बंद करो, स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज, या स्टॉप मेकिंग नॉइज। तो स्टॉप मेकिंग नॉइज का मतलब हो जाएगा कि शोरगुल करना, चिल्लाना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी तबाह मत करो, डोंट स्पॉइल हर लाइफ। अगर आप कहना चाहते हैं कृपया उसकी ज़िंदगी तबाह मत करो, प्लीज़ डोंट स्पॉइल हर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, कृपया मेरे साथ मत चलिए, प्लीज़ डोंट वॉक विद मी। आपके साथ कोई जा रहा है तो आपने कहा कृपया मेरे साथ मत चलो भाई, मेहरबानी करके। तो आपको इंग्लिश में कहना है, प्लीज़ डोंट वॉक विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा कि, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी टाइमली, समय से मुझे फ़ोन करना ना भूलिएगा। तो आप किसी को बोले कि भाई इतने बजे मुझे कॉल कर देना, तो आप उसे कह रहे हैं कि देखो मुझे कॉल कर देना, एक काम करिए समय जिस समय बताएं कॉल करने को उतने बजे करिएगा। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी टाइमली, समय से कॉल करना मुझे ना भूलें। नेक्स्ट वन हो जाएगा, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु वैल्यूज यू, उस इंसान को, उस व्यक्ति को कभी मत भूलो जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपको अहमियत देता है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, ड्रिंक एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो आप सॉरी, ड्रिंक मिल्क आप कहने वाले हैं, क्या बोलेंगे आप, ड्रिंक मिल्क एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, कि बिस्तर पर जाने से पहले आप दूध पी लें, यानी कि सोने से पहले आप दूध पी लें। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो फिर उसी तरह कहने वाला हूँ जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा था कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।